हाई एवरी वन दिस इज़ बुरानिका आज का टॉपिक है हमारे डिस्कशन का एक्सपेंशन ऑफ टाइगर मैप फ्रॉम कॉर्बिट नेशनल पार्क टू केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब बेसिकली उत्तराखंड ने अपना टाइगर पॉपुलेशन का जो मैप है उसको फ्लॉन्ट किया है कि टाइगर्स काफ़ी हाइट पर भी पाए जा रहे हैं और यहाँ पर ये क्वेश्चन अब शुरू हो रहा है इन्वामेंटलिस्ट uh, नेचुरलिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट के बीच में कि ऑल्टी इतने हाई ऑल्टीट्यूड्स पर अगर टाइगर्स मिल रहे हैं क्योंकि कॉर्बिट नैशनल पार्क अगर आप देखेंगे काफ़ी नीचे तराए रीजन में आता है और केदारनाथ काफी ऑल्टीट्यूड पे आएगा तो इसका क्या मतलब हो सकता है तो इंटरप्रिटेशन एनालिसिस शुरू हो गया इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा देखिए ये आर्टिकल आया था वेयर टाइगर्स रोम माउंटेन्स उत्तराखंड हैज्लाउंटेड कि उसका टाइगर रेंज बारह हजार फीट तक है और कितना कॉमन है कि इतनी हाइट पे टाइगर्स मिलेंगे अब यहाँ पे सवाल आ रहा है क्योंकि अलग अलग एंगल से इसको देखा जा रहा है कि क्या नए ये हैबिटेट टाइगर्स का हमको पहली बार पता चल रहा है कब कब हमने टाइगर्स को इतने ऑल्टीट्यूड पे देखा इतनी हाइट पे देखा अगर इतनी हाइट पे मिल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी देखिए क्या अनाउंस किया है अभी रिसेंटली टाइगर इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया गया है ट्वेंटी जुलाई को और उस पर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बोला कि टाइगर का जो स्टेट मैप है स्टेट का जो टाइगर मैप है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क से केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक है और मतलब तराई से तराई रीजन से लेकर माउंटेन रीजन उन्होंने पूरा दिखा दिया यानी वन थाउजेंड वन एटी वन फीट से लेकर आपका बारह हज़ार की फीट तक आपके टाइगर्स जो हैं वो पाए जाते हैं तो यहाँ पर उत्तराखंड बहुत खुश है कि हमने टाइगर कंजर्वेशन बहुत अच्छे से किया है देखिए ये है आपका कॉर्बेट और ये है केदारनाथ दस लॉर्ड ऑफ डिफ्रेंस बिटवीन द ऑल्टीट्यूड यहाँ पे देखेंगे तो और अच्छे से नज़र आएगा ये कॉर्बिट नेशनल पार्क है और ये आपका केदारनाथ इन द स्नो रीजन तो क्या बर्फ़ में भी टाइगर्स पाए जाते हैं इतनी ठंड कैसे टॉलरेट करते हैं ये ऑलरेडी भी थे हमको नहीं पता था अब कब कब टाइगर्स हमको इतने ऑल्टीट्यूड्स पे मिले हैं इसका मैं आपको कुछ डेटा बताऊंगी रीसेंट टाइम्स पे एक देखिए पहली बात एक रीसेंट वीडियो मैंने बनाई थी टाइगर ट्रैकिंग पे कि हम टाइगर्स को किस तरह से ट्रैक करते हैं एक ट्रेडिशनल तरीका होता है पग मार्क कि जहा जिस रास्ते से वो जा रहा है वहां पे वो अपने मार्क्स छोड़ के जा रहा है तो आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ से टाइगर गुजरा था दूसरा हो गया कैमरा ट्रैपिंग सब कैमरा लगा देंगे अलग अलग जगह पे फोटोग्राफ्स दिख जाएंगे आपको वीडियो ट्रैप हो जाएगी जैसे भी और उसके बाद थर्ड आता है आपका कॉलर कि आप उसके गले में कॉलर लगाएंगे उसको जीपीएस के थ्रू ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे एक इंसिडेंट दिखाया है कि 70 मीटर लॉन्ग एक 70 मीटर के रास्ते पे इन्होंने टाइगर का पग मार्क्स देखे उसके कि पाँव के निशान थे कितनी हाइट पे दस हज़ार फीट पे ऑल्टीट्यूड पे जेलेपाला एक माउंटेन पास है बिटवीन सिक्किम एंड जो ये तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन है आपका चाइना का ये 2009 की बात है कि 2000 में नाइन में हमको इस तरह का हाई दस हज़ार फीट पे टाइगर्स के पग मार्क्स मिले थे उसके बाद भी बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स हुए फोटोग्राफिक इंसिडेंट्स एविडेंस जो है वो एमर्ज हुआ जनवरी टू में दिबांग वैली में अरुणाचल प्रदेश में लेकिन ये हाइट थोड़ी मॉडेस्ट हाइट थी अराउंड 5800 फीट पे 2016 में मल्टीपल रिकॉर्ड्स हमको टाइगर्स के मिले 10000 हजार से ऊपर की हाइट पे इंडिया में रिकॉर्ड किए गए उसके बाद 2016 की बात करें तो कैमरा पे ट्रैप किया गया 10,742 की फीट फीट पे एस्कॉट मास्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पित्तौड़गढ़ उत्तराखंड में है वहां पे टाइगर को देखा गया जनवरी 2017 में दो मेल टाइगर थे जिनको 11,000 की फीट पे ग्यारह फीट पे देखा गया दूसरा टाइगर 10,650 फीट पे देखा गया मिशमी हिल्स दिबांग अगेन ये अरुणाचल प्रदेश में और ये इस तरह के पहले फोटो थे जहाँ पे स्नो में टाइगर को देखा गया कि स्नो भी हो रही है स्नो एरिया में टाइगर्स को देखा गया इससे पहले रशिया के अमूर टाइगर्स स्नो में आपको दिखते थे 2018 की बात करेंगे तो टाइगर को फोटोग्राफ किया गया नाइन थाउजेंड फाइव सिक्सटी थ्री फीट पे सिक्किम के पांगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टू थाउजेंड नाइनटीन में अगेन कैमरा ट्रैप किया गया रुद्रप्रयाग केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इलेवन थाउजेंड वन फिफ्टी फाइव फीट पे तो ये अलग अलग इंसिडेंट्स हैं जब हमको टाइगर्स इतने ऑल्टीट्यूड पे नजर आ रहे हैं देखिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया काफी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भी रहा हमको आज तक जो अगर आप हैबिटेट देखेंगे जो टाइगर्स का पता है नॉर्मल जो फॉरेस्ट हैं टाइगर रिजर्व्स इंडिया के जितने भी आप देख लेंगे नॉर्मल हाइट्स पे हैं मॉडरेट हाइट्स पे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हमने कोई इतना रिजर्व नहीं बनाया है टाइगर का तो ये हमको एक नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इतने ऑल्टीट्यूड्स पर टाइगर्स ईजिली घूम रहे हैं उनको ठंड भी नहीं लग रही है टॉलरेट कर रहे हैं टेम्परेचर और ये जो रिकॉर्ड्स हैं हाई ऑल्टीट्यूड टाइगर्स के अब एक रूटीन बनता जा रहा है क्योंकि मैंने आपको कितने सारे इंसिडेंट्स बता दिए जहाँ पे ऑल्टीट्यूड्स पे टाइगर्स पाए जा रहे हैं अब रूटीन बनता जा रहा है तो जो कंजर्वेशनिस्ट है उनके लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है अलार्मिंग सिचुएशन क्यों हो गई है ये सोच के देखिए उनका उन्होंने कंक्लूजन इसको ऐसा दिया कि हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए टाइगर ऊपर ऑल्टीट्यूड पर जा रहा है फिर दूसरा सवाल आ रहा है कि वो उसको ठंड भी नहीं रोक पा रही वो इतना ठंड स्नो जो है वो टॉलरेट कर रहा है टॉलरेबल भी हो रहा है तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब इंड्यूस हो रहा है ये सब क्वेश्चन में आ रहे हैं तो कंसर्न जो कंजर्वेशनिस्ट हैं इन्वामेंटलिस्ट हैं उनका बढ़ता जा रहा है एक तो ये रूटीन होता जा रहा है क्लाइमेट चेंज का डर हो गया उसके बाद इनकी अपवर्ड मूवमेंट कोल्ड ठंड रोक भी नहीं पा रही तो ये जो मॉनिटरिंग रिजीम है कैमरा ट्रैप्स हैं साइंटिस्ट हैं अब इनकी वजह से टाइगर ट्रैकिंग के जो हमारे सिस्टम्स इम्प्रूव हुए हैं इसकी वजह से ये सब बहुत इम्प्रूव हुआ है तो आपके दो ग्रुप्स बन गए हैं एक ग्रुप बन गया है जो बोल रहा है कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है दूसरा ग्रुप बन गया है जो बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज का शायद इतना रोल नहीं है हमारे मॉनिटरिंग सिस्टम्स अच्छे हो गए हैं पहले भी हो सकता है टाइगर्स इतने ऑल्टीट्यूड्स पे हों लेकिन तब हमारे पास इतने सिस्टम्स नहीं थे आज हमारा टाइगर ट्रैकिंग सिस्टम बहुत अच्छा हो गया कंजर्वेशन एफ़र्ट्स बहुत अच्छे हो गए उसकी वजह से हम ज़्यादा जान पा रहे हैं टाइगर के टेरिटरी के बारे में क्योंकि अगर आपको मालूम हो टाइगर की काफ़ी बड़ी टेरिटरी रहती है वाइड ये यू नो बहुत दूर दूर तक घूमना पसंद करते हैं तो ये घूम के वापस अपने फॉरेस्ट एरिया में आ जाते हैं ऐसा नहीं है कि ये उनका हैबिटेट है तो इस तरह के ये दो ओपिनियंस बन गए हैं और इसका एग्जाम्पल जो दूसरा ग्रुप है वो कैसे देता है कि जैसे साइबेरियन टाइगर टाइगर्स हैं वो एक्चुअली साइबेरिया में नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं टेम्परेट ब्रॉडली मिक्सड पाइन एंड प्योर डेसीडियस फॉरेस्ट में अब उनको आप स्नो पे स्पॉट करेंगे तो डजेंट मीन दैट इट्स देयर हैबिटेट ओके द सर्वाइवल उनका अभी भी फॉरेस्ट में है सर्वाइवल उनका अभी भी फॉरेस्ट में क्यों है क्योंकि उनको शिकार की ज़रूरत है और वो शिकार उनको ईजीली फॉरेस्ट एरिया में मिलता है इसलिए वो फाइनली आके आराम से फॉरेस्ट में रहते हैं लेकिन घूमने फिरने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं जैसे कि हम लोग जाते हैं एनीवे anyway, ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं और टेरिटरी का एक तरीका है अपनी टेरिटरी का पूरा चक्कर लगाता है टाइगर टाइगर ट्रैकिंग में मैंने आराम से डिस्कस किया है तो इसलिए कोई ट्रेड ऑफ नहीं है ट्रेडिशनल टाइगर हैबिटाट का और न्यू हाइट्स जो है उनके बीच में कोई ट्रेड ऑफ नहीं है क्योंकि ये चीज़ इसलिए कही जा रही है कि ऐसा नहीं हो कि अभी कंजर्वेशन के लिए हाई ऑल्टीट्यूड्स पे पर सें, टाइगर सेंचुरीज बनाना शुरू कर दें क्योंकि उस पर हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जो बाकी एनिमल्स हैं उनकी कंजर्वेशन को फ़र्क पड़ेगा अब जिम कॉर्बेट से केदारनाथ की बात हो रही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में बता दूँ ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का नाइनटीन में इसको स्टाब्लिश किया गया था एज हाइली या हेली नेशनल पार्क बंगाल टाइगर को बचाने के लिए नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का वहाँ पे ये पाया जाता है आ, उस एरिया को कवर करता है नेचुरलिस्ट जो है जिम कॉर्बिट उनके नाम पे इसको रखा गया है प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव के अंदर आने वाला ये पहला पार्क था इसके अंदर रामगंगा रिवर जो है वो फ्लो करता है और एनकाम पासिस पतली दुन वैली जो है वो फॉर्म करती है ये वैली एक वैली बनाती है दूसरा आ गया हाई ऑल्टीट्यूड पे आपका केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको केदारनाथ मस्क डियर सेंचुरी भी कहा जाता है और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन है उसके तहत एरिया अगर आप इसके देखेंगे तो नाइन स्क्वायर किलोमीटर है फेमस है ये किसके लिए अल्पाइन मस्क डियर के लिए हिमालयन थार के लिए हिमालयन ग्रिफोन हिमालयन ब्लैक बियर और स्नो लेपर्ड यहाँ पे पाए जाते हैं इससे पहले या काफ़ी वीडियोस मैंने टाइगर पे बनाई है क्योंकि टाइगर इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पे सवाल आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है आ, उसके बाद इसकी कंजर्वेशन एफ़र्ट्स को लेकर टाइगर ट्रैकिंग पे मैंने अभी वीडियो बनाई थी कन्फ्लिक्ट बनाई है उसके बाद ये रिसेंट एक बनाई थी कि 14 टाइगर रिजर्व्स हैं जिनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली है एस सी ए सी ए कंजर्वेशन एश्योर्ड टी एस टाइगर स्टैंडर्ड्स एक ग्लोबल रिकॉग्निशन है इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि किस तरीके से फोर्टीन ही हैं टाइगर रिजर्व्स uh, जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है बाकी कितने सारे रिज़र्व्स हैं टाइगर के और हमारे टॉप तीन चार हैं जिनको नहीं यहाँ पर रिकॉग्निशन मिली क्यों नहीं मिली ये सब डिस्कस किया गया है ये देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो ज़रूर देखिएगा ये आपके लिए नॉर्मल फैक्ट जिस तरह से हमारे फिंगर होते हैं दो इंसानों के फिंगर नहीं मिलते तो इसी तरह से टाइगर के फर होते हैं फर का पैटर्न जो है दो टाइगर्स का सिमिलर नहीं होता जस्ट लाइक फिंगर दिस इज जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉमेशन बाकी ये सवाल है आपके लिए अगर आपको आंसर मालूम है आप कमेंट सेक्शन में दीजिए बाकी टेलीग्राम पे इसको अपडेट कर दिया जाएगा आई रीड द क्वेश्चन फॉर यू कंसीडर द गिवन ऑन गिटमेंट्स थर्टी 1936 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज एस्टाब्लिश्ड एज हाईली नेशनल पार्क व्हिच इज नेम्ड आफ्टर द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया सर मालकॉम हेली इट वॉज रीनेम्ड एज राम नेशनल पार्क इन 1954-55 फ़ोर फिफ्टी फाइव एंड अगैन रीनेमड एस कॉबिट नेशनल पार्क इन फिफ्टी तो बताइए सही आंसर क्या है तो ज़रूर इसको अटेम्प्ट करिए बाकी आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए अगर आप वेबसाइट पर जाएँगे पे जाएंगे, नंबर्स दिए गए होंगे नंबर्स पे कॉल करके आप कोई भी कोर्स की जानकारी डिटेल में ले सकते हैं स्मार्ट कोर्सेज हमारे ईम पे भी अवेलेबल हैं सब जानकारी आपको मिल जाएगी थैंक यू सो मच